Hey guys, assalamu alaikum. Kya haal chaal hai aapke? This is Rabia and you are watching me on Fuchsia Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. Sardiyan kaisi chal rahi hain? Gajar ka halwa, anar juice, cold coffee, regular coffee and nuts. Kya ye sab chal rahe hain ya nahi chal rahe hain? Main bahut dukh mein kyunki maine gajar ka halwa aur anar juice abhi tak nahi piya hai. And these are the two things I really look forward to. Lekin kuch tabiyat theek nahi thi aur kuch susti ki wajah se main ja ke nahi la saki gajar ka halwa. और अनार का जूस तबीयत की वजह से नहीं पी सकी. आई लाइक बाजार का गाजर का हलवा. आई नो, आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल जो घर पे बनाते हैं. घर वाला भी मज़े का होता है लेकिन जो खोए के साथ और वो जो ऑयल वाला बाजार का हलवा होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है. अच्छा, बहुत रैंडम इधर उधर की बातें कर ली मैंने. नया साल शुरू होने वाला है, अल्लाह करे कि इस साल 2022 में ड्रामे ज़्यादा बेहतर आएँ और हम लोग फिल्म्स को दोबारा देखें. बहुत सी फिल्में जो आनी हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम. एक और चीज़ ये कि नेक्स्ट वीक शायद हम टॉप 5 नहीं कर रहे हैं और ड्रामा कब भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑफिस बंद होगा एक हफ्ते के लिए. वी आर ऑल टेकिंग ऑफ एंड टेकिंग सम हॉलीडेज. तो बट मे बी शायद मैं कर भी लूँ. सो लेट्स सी क्या होता है. लेकिन लेट्स स्टार्ट विद टॉप 5 ड्रामाज ऑफ दिस वीक. ये हफ्ता ज़रा मुश्किल था क्योंकि ड्रामे अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं. अब टॉप 5 में रहने के लिए जंग चल रही है. सो नंबर 5 पे हमारे पास है जो बिछड़ गए. बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी नंबर 2 एपिसोड जो बिछड़ गए की. और ये भी ऐसी थी जिसमें आप एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकते. इनफैक्ट वो जो पूरा सीक्वेंस था शुरू का जिसमें वो भाग रहे होते हैं 3 स्टूडेंट्स, आई मीन दिल को डर लग रहा था. आपको वाकई खौफ आ रहा था. एंड मैं सोच रही थी यार अगर आप उनकी जगह हो तो आपका क्या हाल हो ना. और अगर मतलब मैं आई वॉज़ एक्चुअली थैंकफुल कि हम एक पीसफुल टाइम पर रह रहे हैं. यू नो, कहानी तेज़ी से आगे बढ़ी. हमें पता चला कि क्या हुआ रूमी का, सोनिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उन दोनों के दरमियान क्या चीज़ें चल रही हैं, हालात कैसे, इलेक्शंस की बात की उन्होंने, इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं और जो अनरेस्ट हो रही है बांग्लादेश में और ढाका यूनिवर्सिटी में उसके बारे में बात की. तो आई लाइक द पेस ऑफ द स्टोरी. आई लाइक द वे इट हैज़ बीन पिक्चराइज एंड एडिटेड. और जिस तरीके से कहानी बताई जा रही है आप एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकते. इनफैक्ट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप वो पूरा देख रहे हो क्योंकि अगर आपने एक भी डायलॉग मिस कर दिया तो बस फिर आप गए, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि किधर क्या हुआ. तो आई रियली अप्रिशिएट द एपिसोड. इट वॉज़ इंगेजिंग, इट वॉज़ इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा रोमांस भी हमें कहीं नज़र आया, थोड़ा एक्शन भी नज़र आया, खौफ भी हुआ. तो बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की थी. एंड अगेन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेप आगे गए. आपको कुछ पता भी चला, थोड़ी और क्यूरोसिटी जहन में आई और आपका आई मीन आई रियली वॉन्ट टू गो एंड सिट डाउन एंड रीड इट विच आई एम गोइंग टू डू इट ओवर दिस वीक एंड अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था एंड हैव माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन थिंग्स. सो अगर आप जो बिछड़ गए नहीं देख रहे तो ज़रूर देखिए. इट इज़ अ लवली पीस ऑफ कॉन्टेंट दैट शुड बी वॉच्ड. ठीक है जी, नंबर 4 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे. एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 2 एपिसोड्स मुझे ये एपिसोड फिर थोड़ी सी, लास्ट वाली थोड़ी स्लो थी, ये वाली से एक नॉच ऊपर लगी. बट ये इंपॉर्टेंट भी है दिखाना ये सब चीज़ें कि असद पूरा देख रहा है, उसका जर्नल उसने देखा है, वो खुद एक रिग्रेट से एक पछतावे से गुजर रहा है. महरीन की क्या मेंटल हालत है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि महरीन और मशल के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी वो हमें हाफ सुनाई गई जिससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हमारे जहन में और हमें मशल का एक डिफरेंट एंगल भी नज़र आ रहा है. महरीन की वो बात सबसे इंपॉर्टेंट कि मशल ने मुझे मारने नहीं मुझे बचाने की कोशिश की थी, उसने हमारे जहन में बहुत सी क्यूरोसिटी के सवाल डाल दिए और हम वेट कर रहे हैं अगले इस संडे का कि इस संडे को हमें और क्या पता चलता है. कहानी मुझे लगा आगे मूव की है, इंटरेस्टिंग थी, इंगेजिंग थी, थोड़ा सा आपके दिल को टच भी कर रही थी. गुस्सा भी आ रहा था आपको महरीन की माँ पे कि पूरा वक्त तो तुम गायब थी, अब तुम कहाँ से आ गई हो अपना हक जमाने के लिए. सालिया और महरीन का जो कनेक्शन था वो बहुत खूबसूरत लगा और मुझे ऐसा लगा कि एपिसोड ऐसी थी कि कहीं भी आप एक सेकंड के लिए भी आपको एपिसोड ने बोर नहीं किया या आपको गिराया नहीं. आप इधर उधर नहीं देख रहे थे. मुझे इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो बोलूँगी कि वो जो पूरा राबिया के आने का प्रोसेस था जो वो बोलती है वो मुझे अननेसेसरी लगा. उसके होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. आई फील कि वो नहीं भी दिखाते तो वो सही होता. इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि वो टाइम जो हमने उसमें देखा उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ किया जा सकता था. असद और महरीन के दरमियान ज़्यादा मीनिंगफुल सीन्स दिखाए जा सकते थे या महरीन और मशल के दरमियान ज़्यादा मीनिंगफुल सीन्स दिखाए जा सकते थे. बट इट वॉज अ रियली गुड एपिसोड ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे एंड इट मेड यू थिंक अगेन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. नंबर 3 पे हमारे पास है इश्किला. आई लव्ड इश्किलाज एपिसोड. इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी. आई थिंक कपल्स के दरमियान जो मिसकम्युनिकेशन होती है और किस तरह वो एक दूसरे से मोहब्बत में कुछ चीज़ें बोलते हैं लेकिन दूसरी साइड जो होती है उनको कम्प्लीटली ऑपोजिट उसमें ले लेती है और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और अच्छा भला रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है गुस्से से, मिसकम्युनिकेशन से, ईगो से. तो आई रियली रियली लाइक
कि ये पॉइंट उठाया राइटर ने और डायरेक्टर ने इतने खूबसूरत तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया. और एक ऐसी एपिसोड थी इश्क़ इलाही की जिससे आप कनेक्ट भी कर रहे थे, आप सोच भी रहे थे, आपको क्यूरोसिटी भी थी कि अच्छा शनाया मानेगी नहीं मानेगी, अज़लान कितना नखरा दिखाएगा. देन फिर अस्का का ट्रैक साथ साथ, वो कितना अपलिफ्टिंग था कि वो आके अपना रिज़ल्ट बताती है, फिर शनाया उसकी उसकी फ़ीस देने के लिए बात करती है. बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी आपकी, यू नो इंगेजिंग थी, इंटरेस्टिंग थी, आप बोर नहीं हो रहे थे, आपके दिल को कुछ हो रहा था, रोमांस, गुस्सा, लड़ाई, सब कुछ दिखाया जा रहा था. सो अ रियली गुड एपिसोड ऑफ इश्क़ इलाही दिस वीक. एक फ़ोन आ रहा है जिसको मैंने साइलेंट पे किया हुआ था, फिर भी आ रहा है तो मैं उसको बंद कर रही हूँ. ठीक है जी, बिफोर वी गो टू नंबर टू, वी हैव डायरेक्टर ऑफ द वीक. डायरेक्टर ऑफ द वीक आई वुड लाइक टू गिव टू अनदीम बे फॉर सिनफे आहन. इन द रीज़न बीइंग कि सिनफे आहन की इस बार की अगर आप एपिसोड देखें, आई थिंक इट वॉज सो वेल डन. इट हैड ह्यूमर, इट हैड थाट्स, इट हैड अ वॉर्म्थ टू इट, अ वॉर्म्थ टू इट. इतनी खूबसूरत तरीके से 5 कहानियाँ सुनाना, इनफैक्ट 6 कहानियाँ सुनाना, उनको आपस में लिंक करना, इस तरह के जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, उसका इंटरेस्ट नहीं कहीं चला जाए. और जितनी कहानियाँ आप सुना रहे हैं उन कहानियों के साथ इंसाफ हो स्क्रीन पे भी, और उनकी स्टोरी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एंड आई थिंक नदीम बेग डिड सच एन अमेजिंग जॉब. मतलब जिस तरीके से वो कहानी में हमें लेके गए, सबसे पहली बात तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो फिज़िकल टेस्ट था सबका दिखाया, तो वो हमें बहुत मज़ा आया देख के. यू नो उसमें हमें उनकी पर्सनालिटी की झलक लड़कियों की नज़र आ रही थी. फिर शाइस्ता के घर में जो कुछ हो रहा है वो कैसे उन्होंने देखा, हर किसी के घरों में क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमें दिखाया, वो कितना प्यारा था. देन वो जो पूरा इंटरव्यू का सीन था, आई थिंक वो तो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती. उसने आपको पकड़ लिया, उसने आपको एक कनेक्शन बना दिया हर एक लड़की के साथ, क्योंकि आपने उन लड़कियों के बारे में सिर्फ उनकी लुक और उनकी उनकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल हो रहे हैं उनके बारे में नहीं, उनको आपको ना उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला. तो आई लव द वे दैट ही हैज़ इन कोर्स स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा पार्ट होता है, बट आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि उन्होंने इसको एडिट में, उसको डायरेक्शन में इतना खूबसूरत किया है. इफ़ यू लुक द वे ही हैज़ डायरेक्टेड ऑल दोज गर्ल्स, लाइक यू नो हर किसी की एक आपको एक क्वालिटी नज़र आ रही है. शाइस्ता इज़ लाइक दिस कॉन्फिडेंट एंड दिस जंगजू लड़की एंड बहादुर एंड यू नो परिवेश में भी परिवेश में भी आपको वही चीज़ें नज़र आती हैं, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ी सी यू नो खुश फहम सी भी है, यू नो और बहुत रियलिस्टिक भी है. यू नो आरजू एक लॉस्ट है, महाजबीन अपनी ज़िंदगी में है, उसकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं. रबिया बहुत एकेडमिक और बहुत वो है, तो यू नो आई जस्ट लव दीज. मुझे लगा कि हमने कनेक्ट किया है, और ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं लेकिन डायरेक्शन में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो आपको एज अ व्यूअर आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसके साथ कनेक्ट कर देती हैं. फिर इसीलिए ऐसा होगा कि आगे जाके जब ये लोग रो रहे होंगे तो हम रो रहे होंगे, जब ये लोग हंसेंगे तो हम भी नारे लगाएंगे, और जब इनकी ज़िंदगियों में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सब इनके बेड के लिए यू नो लाइक क्या होगा क्या होगा. सो आई जस्ट लव द वे नदीम बेग हैज़ डायरेक्टेड दिस एंड ही हैज़ टेकन केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स और हमें कनेक्शन कराया है पूरा. एंड मैसेजेस भी लाइक हर स्टोरी के मैसेजेस को उन्होंने उसी रिस्पेक्ट से डील किया है. कामिल जो पूरा बोलता है, वो गन रख लेता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि उसने पहले से गन निकाल के रखी है, उसको दे देता है कि आपने मारना है मुझे मार ले. शाइस्ता को कुछ नहीं कहें, फिर जो बाप आके शाइस्ता के सर पे, और वो पूरा सीन जो उन्होंने लास्ट वाला परिवेश और शाइस्ता का जो दिखाया कि उनके पेरेंट्स कितने खुश हैं, वो कितना अपलिफ्टिंग था. सो अ ग्रेट डायरेक्शन विच हैज़ made the viewer connect with the characters and has taken care of small details. I think Nadeem Beg has done a great job at this episode, and he made us laugh, not just made us connect with the characters. So ye hai director of the week. Number 2 pe hamare paas hai Sinfe Aahan. आधी बातें तो मैं पहले कर चुकी हूँ. इतनी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, आप हंस रहे थे, आप एक्साइटेड थे, आप नोकझोंक और लड़कियों की आपस में जो दोस्तियों की ट्रांजिशन हो रही थी, जो स्टेजेस चेंज हो रही थी, आप उनको एंजॉय कर रहे थे, और आपको एक हर लड़की का एक फियर, एक हर लड़की की हर स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी. पूरा जो उन्होंने फिज़िकल हर्डल्स का जो पूरा दिखाया, जैसे राबिया जो है वो उसको हाइट से डर लगता है, और वो जब टीम बिल्डिंग होती है वॉल को क्रॉस करने का, और फिर जब एंड में महाजबीन जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करी होती है वो शाइस्ता से मदद मांगती है. आई जस्ट लव्ड इट. इट वॉज सच एन
endearing episode ke aur main sochi hu agar abhi aisa hai to aage jaake kya hoga aur itni itni reality based thi ki kahin bhi unko super heroes nahi dikhaya unko dikhaya ki ye aam log hain jisse hum connect kar sakte hain unki galtiyan bhi wahi hain jisse hum galtiyan karte hain unke fears bhi wahi hain jisse hum jisse chuhe se dar lag raha hai height se dar lag raha hai you are not sure ki aapko zindagi mein chahiye kya hai makeup pasand hai aap samajh rahe hain aur aap ab samajh rahe hain ki itne bade institution ko aap change kar denge so I just loved the episode I think हंसाया रुलाया हल्का सा आपको खुशी खुश कराया आपको आपके अंदर एक जज्बा डाला तो नंबर टू पे हमारे पास है सिन्फे आहन नंबर वन पे जाने से पहले हम करेंगे एक्टर ऑफ द वीक आप लोगों ने मुझे इनफैक्ट मैं मेरी एक हमारी बहुत प्यारी व्यूअर हैं उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि आप एक्टर ऑफ द वीक फीमेल एंड एक्टर ऑफ द वीक मेल क्या करें तो मैं दो हफ्ते पहले ये बात मैंने बोली थी बट आई केप्ट फॉरगेटिंग तो अभी जब मैं नोट्स लिख रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे ये करना है सो येस दिस वीक वी हैव एक्टर ऑफ द वीक वीक मेल एंड एक्टर ऑफ द वीक फीमेल लेट्स डू द एक्टर ऑफ द वीक मेल फर्स्ट विच इज़ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई फेल्ट वहाज अली ऑल्सो डिट सच एन अमेजिंग जॉब इन जो बिछड़ गए एंड अहमद अली अकबर भी एंड आई वॉज टेम्पटेड मैं बड़ी ऑनेस्टली ये बात बता रही हूँ आई वॉज सो टेम्पटेड कि मैं वहाज को करूँ फिर देन आई वॉज लाइक बिकॉज आई लाइक अहमद अली अकबर तो हर वीक इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं बट देन आई वॉज लाइक जस्ट बिकॉज ही इज गिविंग अ ग्रेट परफॉर्मेंस विच बीट्स एवरीबडी एल्स आई शुड नॉट आई मीन ही शुड नॉट बी पनिश्ड राइट तो येस एक्टर ऑफ द वीक गोज टू अहमद अली अकबर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इस एपिसोड की जब वो नासाज को मिलते हैं हमें वो परीजात नज़र आया जिसको हम मिस कर रहे थे जो पुराना परीजात था जब वो स्टेशन पे बैठ के रो रहा था जब नासाज चला गया इन छोटी छोटी चीज़ें जब वो पियानो पे बैठे रो रहे होते हैं उनके दिल का दर्द जो परीजात के दिल का दर्द है वो उन्होंने दिखाया और फिर उसके बाद जब वो उसके पास जाते हैं फिल्म और म्यूज़िक करने के लिए जाते हैं लुबना के पास वो कितना खूबसूरत था तो दिस व्हाट आई एम सेइंग एवरी टाइम अहमद अली अकबर ऐसे एक्सप्रेशंस लाते हैं कि हम कहते हैं यार एंड सीरियसली हर वीक ही सरप्राइजेज अस ही अमेजेस अस एंड ही इम्प्रेसेस अस एंड इतनी खूबसूरत इतनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं जब वो दरवाज़े पे जाके आरजे एनी को बोलते हैं वो आवाज़ कितनी उनमें ना वो कितनी नेचुरल सी आवाज़ की टोन थी कि यू रियली फेल्ट कि वो थोड़ी सी शरारत भी थी थोड़ी सी यू नो तंग करने का वो भी था थोड़ी सी जेन्युइननेस भी थी उनमें एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट दैट आई रियली लव्ड वाज द सीन जब आरजे एनी उनकी शक्ल को फील कर रही होती हैं अगर आप देखें तो यू कैन सी के परिजात उस वक्त एक हल्का सा उसको डिस्कम्फर्ट है और उसके बाद भी जब आरजे एनी थोड़ा दूर भी चली जाती हैं तो ही स्वॉलोज सो आई जस्ट लव दी स्मॉल थिंग्स दैट जिसकी वजह से अहमद अली अकबर ने परीजात को दिखाया कि ही वॉन्ट्स टू डू इट बट ही इज़ अ लिटिल स्केयर्ड अनश्योर एंड कॉन्शियस अबाउट कि ये क्या हो रहा है एंड ही इज़ फीलिंग बिकॉज उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ सो आई लव द वे ही हैड कम्युनिकेटेड ऑल दीज फीलिंग्स वहाँ चली इन जो बिछड़ गए आई डोंट नो व्हाट टू से द वे ही हैज़ डन दिस परफॉर्मेंस इज सो गुड आई मीन और इस एपिसोड में जहाँ पे वो सोनिया का रास्ता रोकते हैं देर इज़ दुख ऑन हिज फेस ही कैन सी कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है फिर जहाँ वो स्पीच दे रहे हैं और जहाँ वो सीढ़ियों पे बैठे हैं कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग्स एंड देर इज़ सम ऑरा अबाउट दिस कैरेक्टर यू नो दिस कैरेक्टर इज सपोज टू बी अ फ्रीडम फाइटर और अ गोरिल्ला डिपेंडिंग ऑन विच साइड यू आर लुकिंग एट वो जो एक ऑरा है वो जो एक पर्सनालिटी है आई एम सो इम्प्रेस कि वहाज ने उसको पकड़ लिया एक्सिंग पे भी हेल्प की एक्सिंग पे भी काम किया और उस ऑरा को पकड़ लिया वो ऑरा हमें कम्युनिकेट करें व्हेन ही इज़ गिविंग दैट स्पीच यू कैन फील दैट यू नो ऑल दो यू नो अगर आप डिपेंडिंग आप किस साइड से देख रहे हैं मे बी रूमी माइट नॉट बी समबडी दैट आप उसको सपोर्ट करें बट आप उसके जज्बे को और आप उसकी फील को मिस नहीं कर सकते एंड दैट इज़ हाउ ग्रेट हाउ ब्रिलियंट वहाज परफॉर्मेंसेस देन वी गो टू एक्टर ऑफ द वीक फीमेल इसमें भी बड़ा चक्कर था माया मुझे बहुत अच्छी लग रही थी मायरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पानी की ब्रेक फिर उसके बाद हम वापस आते हैं लेकिन आई थिंक यमुना सिन्फे आहन एज शाइस्ता वो पूरा सीन जब वो लास्ट में बाप से डरती है और ऐसे करती है और फिर बाप हाथ रखता है और फिर वो रोती हैं वो कितना खूबसूरत था आरजे एनी जिस तरीके से उसको फील करती हैं शक्ल को परिजात की उसके बाद वो नाराज़ होती हैं उसके बाद माँ को बोलती हैं कि मेरा मुझे तंग मत करें मैं काम कर रही हूँ
इतनी नेचुरल एक्टिंग, इतनी रिलेटेबल एक्टिंग, वाओ, यू नो. एंड देन परिजात सिद्धांत एंड इश्केला, अगेन उसमें कितनी खूबसूरत एक्टिंग है जब वो आके बताती हैं अपने रिजल्ट के बारे में और भाई को बोलती हैं जबकि मैं नहीं जा रही टेस्ट देने, यू नो, मेरे पैसों की वजह से. सो आई थिंक यमुना जैदी, अगेन मेरे पास हर बार, मैं सोचती हूँ मैं किन अल्फाज से उनके लिए उनकी तारीफ़ करूँ, बट इन तीनों कैरेक्टर्स को अगर आप देखें तो आप देखें डिफरेंट परफॉर्मेंस है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है यमुना की, एंड शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. और हर कैरेक्टर में आई थिंक वो दिल जीत रही हैं. आर जे एनी को कौन नहीं प्यार कर रहा, कौन पसंद नहीं कर रहा, अस्का के साथ किसकी हमदर्दी नहीं है, और शाइस्ता को के साथ किसको हंसी नहीं आती, कौन मुस्कुराता नहीं, और कौन उसकी बहादुरी पे अशश नहीं करता, यू नो, तो अशश नहीं कर उठता, ये सही जुमला होना चाहिए था. सो आई थिंक यमुना जैदी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड शी इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर हर सेल्फ, एंड वो अपने आप को ही हर बार बीट करके ऊपर जाती हैं. इसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन माया अली. आई थिंक जो बिछड़ गए में उसकी परफॉर्मेंस कितनी खूबसूरत है. वो जिस लास्ट सीन है जब वो कैप्टन फारूक से बात कर रही होती हैं, उफ क्या खूबसूरत सीन है. द वे शी लुक्स एट हिम, द वे शी टॉक्स टू हिम, द वे शी सेज़ कि मैं आपके लिए मदद कर सकती हूँ, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग. फिर वो एक छोटा सा सीन है जब वो सीढ़ियों पे रूमी खड़ा होता है, वो अपना ब्लाउज सही कराने आती है और उसकी डिस्कम्फर्ट के वो देख भी रही है माँ से बात करते हुए कि ब्लाउज की बात इधर क्यों सही कर रही है, और रूमी देख रहा है, फिर रूमी से जिस तरीके से बात करती हैं, अमेजिंग परफॉर्मेंस. हर एक्सप्रेशन, हर टोन, हर गेटअप, एवरीथिंग. एंड वो सीन जब वो साड़ी पहन के गुस्से में जा रही होती हैं, क्या गजब ढा रही थी, एक तो साड़ी पहन के इतनी प्यारी लग रही थी, ऊपर से वो जो एक्सप्रेशंस थे, शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. एंड आई एम थरली एन्जॉइंग वॉचिंग माया एज सोनिया. इट इज़ अ प्लेजर टू वॉच हर एवरी टाइम शी इज़ ऑन स्क्रीन एज सोनिया. आई वॉन्ट टू मैंशन उस्मान मुख्तार एज असवद. बहुत खूबसूरत एक्टिंग है, इतनी अच्छी एक्टिंग है कि ही इज़ मेकिंग अस फील फॉर असवद, एंड वी आर क्वेश्चनिंग कि क्या वाकई असवद के साथ भी धोखा हुआ, वो भी मैनिपुलेटेड हुआ. मायरा खान, जो वो पूरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है एज महरीन, जब महरीन मशल के ऊपर गुस्सा होती है, व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, जब मशल से बात करी, इट लुक लाइक अ गर्ल, एक जो कजन्स नहीं आपस में गुस्सा कर रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल वो फील आई. दिस इज़ हाउ हर बॉडी लैंग्वेज, हर एक्शंस, हर हैंड्स वर मूविंग, एंड माया डिड एन अमेजिंग जॉब. उसके बाद जब वो बैठ भी जाती है तो वो पूरा गुस्से में काम नहीं हुई है, काम डाउन नहीं हुई है अभी महरीन, अभी उसको गुस्सा है. सो बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी मायरा की, लाइक वी कुड फील कि महरीन के साथ क्या हो रहा है, महरीन किस फीलिंग से गुजर रही है, मैं थोड़ा सा हम डाउट भी कर रहे हैं महरीन को, और हम महरीन के लिए फील भी कर रहे हैं. सो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. आई वॉन्ट टू मैंशन फिरोज़ एज मुस्तजाब इन मुश्के, मैं नाम भूल गई ड्रामे का, ए मुश्के खाक, आई थिंक सो, आई एम सो सॉरी, ए मुश्के खाक, यस. वो जो पूरा लास्ट सीन है जहाँ वो कढ़ाई खाते हैं और जो मिर्ची लगी हुई है, आई लव दैट सीन, ही वॉज सो नेचुरल इन इट, लाइक हाउ कुड यू नॉट लाइक मुस्तजाब एट दैट टाइम एंड बिलीव हिम, बिकॉज आई जस्ट लव द वे ही हैंडल मुस्तजाब देयर. बिकॉज एक तरफ मुस्तजाब ऑनेस्टली बोल रहा है कि मैं डोमिनेंट भी हूँ और मैं बड़ा सेल्फ ऑब्सेस भी हूँ, लेकिन अगर एक दफ़ा मैं प्रॉमिस कर लूँ तो मैं ज़िंदगी भर निभाता हूँ, और तुम्हारी पसंद की चीज़ अब मेरी पसंद, आई मीन लाइक कौन इन डायलॉग्स पे फिदा नहीं होगा. एंड देन उनकी मिर्ची से हालत बुरी हो रही है एंड कोट उतार देते हैं, एंड इज़ लाइक हाँ हाँ ठीक है मुझे पूरा ख़त्म करना है, यू नो. आई थिंक फिरोज़ डिड एन अमेजिंग जॉब देयर. एंड इस ड्रामे पर फिरोज़ को काफ़ी थोड़ी बहुत लोग कॉमेंट भी करें कि इट लुक्स लाइक all of his characters. I think अगर ये पार्ट जाके देखें तो बहुत डिफरेंट परफॉर्मेंस दी है फिरोज़ ने, और बहुत ज़बरदस्त दी है. सकीना सम्मो इन दोबारा, क्या मज़े की परफॉर्मेंस है यार, हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है, एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी हर इन अ डिफरेंट रोल, इन अ कॉमिक रोल, एंड हर टाइमिंग्स फॉर कॉमेडी इज सो ग्रेट. मावरा इन किस्सा मेहरबानों का, शी डिड अ गुड जॉब, शी डिड अ रियली गुड जॉब. आई मीन मुझे मेहरबानों के लिए फ़ील हो रहा था, मुझे मेहरबानों की जो कश्मकश है, जिस स्टेज पर वो खड़ी है, जहाँ वो आवाज़ भी नहीं उठा पा रही है, और वो दर्द में भी, और वो खौफ में भी, और वो जो पूरा खौफ मेहरबानों का दिखाया है, मावरा डिड अ वेरी गुड पोर्ट्रेल ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स जो इस वक्त मेहरबानों के जहन में चल रही है. एंड इट इज़ नॉट ईजी, या तो आप बिल्कुल ही रोन, अच्छा अगर आप देखें तो वो हिचकियों से रो नहीं रही हैं, आंसू बार बार नहीं गिर रहे, शी इज़ कंट्रोल्ड, एंड इट्स द फियर, इज़ द खौफ दैट शी इज़ पोर्ट्रेइंग, नॉट जस्ट द दुख. सो अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस. उस्मान ज़िया एज द वार्डन इन कहीं बिछड़ जो बिछड़ गए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. आई मीन वो कैरेक्टर ऐसा है कि शुरू में उफ़
डर लग रहा था मुझे यार. आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड द वे ही डिड दैट कैरेक्टर. वो वार्डन का जब वो तीनों स्टूडेंट्स आके बैठते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन कितना कम होता है. आपको पता होता है, यू नो, बहुत दफ़ा आप ड्रामा देख रहे होते हैं और आप कहते हैं कि हाँ यार ये सीन है जहाँ मुझे डर लगना है तो मैं डर फील करूँ. लेकिन अगर कोई वाकई अंदर से आपको डर फील करा दे और आपको एक खौफ, यू नो, वो फील कराए, उससे ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं हो सकती. एक क्रीपीनेस, एक डर, एक एक आपको जैसे वो फील होता, आपको पता है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है. इवन अक्रॉस द स्क्रीन जब मैं बैठी हूँ, मुझे ये फील था कि ओह कुछ बुरा होने वाला है. ओह, बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उस्मान ज़िया की. आई वॉन्ट टू मैंशन एहसन खान. अच्छा, मैं फ्लिप कर रही हूँ, मैं उसी पर पहले बात करूँ. तलहा चाहोर, इनका नाम पता नहीं मैं सही कब प्रोनाउंस करूँगी, एज कैप्टन फारूक. आई मीन, आई हैव नो वर्ड्स. दिस गाय इज़ रूलिंग द ड्रामा, इज़ मेकिंग सो मच नॉइज विद हिज परफॉर्मेंस. क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या डिलीवरी है. आई जस्ट लव वॉचिंग हिम. आई मीन, कैप्टन फारूक ने हमें पकड़ लिया. लास्ट में जब उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, जिस तरह से भागते हैं, जब वो टेनिस खेल रहे होते हैं, उसकी घबराहट, उसको समझ नहीं आती कि मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, ये आगे से रूमी कैसे जवाब दे रहा है. आई थिंक तलहा इज़ डूइंग सच अ फाइन जॉब दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन. एंड इट इज़ सो गुड टू सी न्यू टैलेंट जिसमें इतना पोटेंशियल है. और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम इन न्यू ड्रामास. आई वॉन्ट टू मैंशन सजल एस शनाया इन इन इश्किला. इतना बोलूँ कि भूल रही हूँ अब चीज़ें. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस थी. और मुझे इस बार बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशंस लगे सजल के, क्योंकि उनका रोल ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा रोना धोना हो. इट्स अ गर्ल जिसको गुस्सा भी आ रहा है, जो अपना काम भी कर रही है, और जिस तंतने से वो उठ के जाती है और वो उस पॉलिटिशियन को बोल के जाती है, वो कितना खूबसूरत था. फिर जब वो असका की फ़ीस देने की बात करती हैं, वो कितना खूबसूरत था. तो रियली ग्रेट परफॉर्मेंसेज दैट वी हैव हेयर. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी वन. एहसन खान रह गए. एहसन खान इन It's not easy to do negative characters जिसमें आपके पास चीखमदाड़ी नहीं हो, आपके पास गन्स नहीं हो, आपके पास ठोकरें नहीं हो, आपके पास थप्पड़ नहीं हो. आपको अपने फेस, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन से अपनी ईवलनेस, अपनी क्रीपीनेस, अपनी मीननेस का को कम्युनिकेट करना होता है. एंड मुराद का कैरेक्टर इन किस्सा मेहरबानों का इज़ एग्जैक्टली द सेम. एंड इट इज़ अमेजिंग हाउ एहसन खान ने जो हमें अभी तक मुराद पे येस नो था, उस पर ऐसे हमें घुमाया. एंड वी लाइक, ओ गॉड, वी कॉन्ट स्टैंड दिस गाय, हु इज़ ही, इतना ख़राब है, इतना बुरा है ये इंसान. एंड एहसन खान इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज मुराद इन किस्सा मेहरबानों का. सो ये लंबी लिस्ट थी. आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीवन. आई डू वांट टू मेंशन बिलाल एंड हदीका फॉर दोबारा. उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. लेट्स गो टू नंबर वन, विच इज़ परीजाद. आई डोंट नो व्हाट टू से. एवरी वीक परीजाद जस्ट अमेजेस अस. अहमद अली अकबर अमेजेस अस. हाशिम साहब अमेजेस अस. शहजाद कश्मीरी साहब अमेजेस अस. इतनी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन होती है, इतना नया ट्विस्ट आता है, हमें रुलाते भी हैं, हमें मुस्कुरवा भी देते हैं, हमारे दिलों को भी छू लेते हैं. नासाज को वापस ले आए हैं. अब नासाज और परीजाद मिल रहे हैं, आपके दिल में कुछ हो रहा है. वो हग कितनी खूबसूरत थी, फिर उन दोनों की नोक झोंक कितनी खूबसूरत थी, और वो चाय पीने वाला पूरा सीन वो कितना अच्छा था. देन आरजे एनी की बात. एंड देन इस वाली एपिसोड में तो आई थिंक जब से प्रोमोज और टीजर्स आए थे, हम सब उस सीन का वेट कर रहे थे जब आरजे एनी उनका स्कल्पचर बनाएंगे, और वो फाइनली वो सीन आ गया. आई वाज लाइक, हाउ विल दे शो इट, हाउ विल दे डू इट. एंड आई वाज सो हैप्पी, सो ग्लैड द वे दे एग्जीक्यूटेड. एंड यू नो, इस सीन में ये चक्कर था कि अगर ये चाहते तो ये क्रिंज भी हो सकता था, ये बॉर्डर लाइन थोड़ा चीप या इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता था, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन आरजे एनी एंड परीजाद. बट द वे विद सच डिग्निटी एंड हाउ ब्यूटिफुली दे शोड कि आरजे एनी क्या कर रही हैं, इट हैड इट्स ओन फील ऑफ यू नो द होल सीन, येट इट वॉज सो डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल कि कहीं भी आपको बुरा नहीं लगा. एंड यू रियली कुड फील दैट आर्टिस्टिक फील, दैट सेंसुअलिटी. अब मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि उस मैं सही प्रोनाउंस करी हूँ नहीं करी, बट आई थिंक आप लोगों को मेरा मतलब समझ आ रहा होगा. आई रिस्पेक्ट यमुना एंड अहमद अली अकबर फॉर एग्जीक्यूटिंग इट, फॉर शहजाद साहब फॉर ब्यूटिफुली डायरेक्टिंग इट, एंड फॉर हाशिम साहब
to writing itself beautifully. There were no words, it was all just actions and expressions, and we still got what we wanted, what they wanted to communicate to us. बहुत ही खूबसूरत है उन्होंने इस टाइम पे जिस तरह का म्यूज़िक हो रहा है, आई वॉन्ट से जिस तरह का म्यूज़िक हो रहा है बट जो कमर्शियलिज्म पे कंटेंट जिस तरह भाग रहा है उस पर भी टेक लिया उन्होंने. तो बड़ी पावरफुल एपिसोड थी. नाहिद को भी दिखाया, इज़ शी रिग्रेटिंग और इज़ शी इंजॉइंग और जस्ट लिविंग विद दैट फील कि वो कोई मुझे इतना मोहब्बत करता है. सो बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी परीजात की, बहुत मज़ा आया देखने का. तो जी ये थे हमारे टॉप 5. सैडली दोबारा कि ये वाली एपिसोड थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी जो गिरी है, क्योंकि बाकी 5 ड्रामों की एपिसोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी. अगेन आई विल से इट डज़ नॉट मीन कि दोबारा अच्छा नहीं था या दोबारा की स्ट्रॉन्ग नहीं थी. दूसरों की स्ट्रेंथ उससे एक नॉट ज़्यादा थी. एंड गोइंग फॉरवर्ड अब तो बड़ा मुकाबला होने वाला है. बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है रियली अभी टू चूज़ के कौन से 5 ड्रामे टॉप 5 में होंगे. तो दैट इज़ ऑल. आप लोग अपनी लिस्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स में कि आपके मुताबिक टॉप 5 इस हफ्ते के कौन से होने चाहिए थे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है.